हेलो फ्रेंड्स, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों टाइटल और थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएड, बीएसटीसी, बीएससी बीएड, बीए बीएड, जो इंटर्नशिप जैसे इनकी ख़त्म हो जाएगी, इंटर्नशिप इनकी पूर्ण हो जाएगी तो छात्रों को क्या क्या करना होगा, पूरी जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इंटर्नशिप से संबंधित जो भी कोई अपडेट होती है वो सारी की सारी जो अपडेट है वो हमारे चैनल पर आती रहती है। तो दोस्तों चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले नंबर की बात करते हैं हम, जैसे ही आपकी इंटर्नशिप समाप्त होगी तो लास्ट के दिन आपको क्या करना होता है, आपको इंटर्नशिप की जो डायरिया दी होगी कॉलेज की तरफ से वो आपने कंप्लीट कर ली होगी, तो उनके ऊपर आपको साइन और सील स्कूल वालों की तरफ से आपको लगवानी होती है। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग कॉलेज की अलग अलग सिस्टम होता है। इंटर्नशिप की जो डायरियाँ हैं, किसी कॉलेज की तरफ से आपको 12 डायरी, किसी कॉलेज की तरफ से 16 डायरी, किसी कॉलेज की तरफ से ओनली 3 डायरी आपको दी जाती है। तो अलग अलग कॉलेज का जो सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है। तो इंटर्नशिप की जो डायरी है आपको जो मिली है उनके अंदर आपको साइन और सील आपको प्रिंसिपल की लगवानी होती है, जैसे ही आपकी इंटर्नशिप समाप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको अभी ये पता नहीं है कि इंटर्नशिप की डायरियाँ बनानी कैसी है, कॉलेज की तरफ से भी कोई फॉर्मेट उनको नहीं दिया गया है ताकि वे डायरी बना सके। इसके लिए दोस्तों हमने सॉल्यूशन निकाला है। बहुत सारे जो इंटर्नशिप की जो लेसन प्लान की वीडियो है ऑलरेडी हमने हमारे चैनल पर अपलोड करी हुई है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो प्लेलिस्ट का जो लिंक है मिल जाएगा। इंटर्नशिप की डायरी आपको कैसे बनानी है, अवलोकन डायरी आपको कैसे बनानी है, खंड शिक्षण की डायरी कैसे बनानी है, अलग अलग सब्जेक्ट की जो डायरियों की जो PDF है वो हमारे चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गई डायरियों की बात। लेकिन दोस्तों एक होती है मेन इंटर्नशिप की जो डायरी होती है, उसके अंदर आपको ग्रेडिंग सिस्टम होता है। जो जैसे ही आपकी इंटर्नशिप पूरी होती है तो उसके अंदर आपको ग्रेड देना होता है। तो वहाँ पर जो ग्रेड का सेक्शन होता है उसके अंदर A+, A, B ग्रेड, C ग्रेड ऐसे लिखी हुई होती है। तो दोस्तों प्रिंसिपल यदि नहीं भरता है ग्रेड, डायरेक्ट साइन और सील लगा देता है, तो आपके लिए अच्छी बात है, आप उसके अंदर A+ भर सकते हो। और यदि प्रिंसिपल भर देता है तो उसके जो नंबर हैं इंटर्नशिप के आपके 200 या 250 नंबर आपके मिल जाते हैं। तो ये तो हो गई डायरियों की बात। उसके बाद में दोस्तों स्कूल की तरफ से आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसको रिलीविंग लेटर भी बोला जाता है। उसके अंदर पूरा बायोडाटा लिखा रहता है, आपने कौन सी तारीख से लेकर कौन सी तारीख तक आपकी इंटर्नशिप पूर्ण हुई है, कितने दिनों की इंटर्नशिप है, और फर्स्ट ईयर का जो भी बायोडाटा है सब लिखा हुआ होता है। तो आपकी इंटर्नशिप जो भी पूर्ण हुई है उसका रिलीविंग लेटर आपको स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। फिर इंटर्नशिप की डायरी और वो जो अलॉटमेंट लेटर है, रिलीविंग लेटर जो आपको मिलेगा स्कूल की तरफ से, वो आपको कॉलेज के अंदर जमा कराना होगा। ये प्रोसेसिंग होती है दोस्तों, तब जाके आपको इंटर्नशिप के जो नंबर है वो मिले जाते हैं। और भी दोस्तों यदि कोई दिक्कत हो डायरी से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल से ज़रूर जुड़े, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।